हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक्सी। दोस्तों, आजकल बालों को हाईलाइट करवाना काफ़ी ट्रेंड में है। जब भी हम पार्लर या सलून में बालों को हाईलाइट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या फिर हम बालों को घर में हाईलाइट करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए हमको हाईलाइटर लाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी होती है। मैं आज आपको बहुत ही कम खर्च में बहुत ही सिंपल तरीके से बालों को हाईलाइट करना सिखाऊंगी। अगर आप पिंक्सी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके लाने की कोशिश करती हूँ जिससे हर कोई ट्राई कर सके। सबसे पहले आपको अपने बालों से टैंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लेना है। उसके बाद अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद में आपको ले ली है एक पॉलीथिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ में तो आती ही है। इसको कैप की तरह अपने सर पर पहन लेना है। इसके बाद आपको लेनी है क्रोशिया। अगर आपके पास क्रोशिया नहीं है तो आप इसकी जगह स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। क्रोशिया से पॉलीथिन में होल कीजिए और उसके बाद उस होल में से बालों को बाहर निकाल लीजिए। बहुत पतली लेयर चाहिए तो आप थोड़े से कम बाल लीजिए, अगर मोटी लेयर चाहिए तो ज़्यादा से बाल निकाल लीजिए। इसके अलावा कैप बनाने का दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको लेना है एक स्क्रू ड्राइवर, आप इससे कोई मेटल की स्टिक भी ले सकते हैं। उसको थोड़ी देर आग पे गर्म कीजिए और उसके बाद में पॉलीथिन में होल कर लीजिए। इस तरह से होल करने से आप अपने बालों को इन होल्स में से अच्छे से निकाल पाएंगे और एक बराबर भी रहेंगे। इस तरह से बालों को पीछे रखते हुए इसको पहन लीजिए। अब आप इसमें से बहुत ही आसानी से क्रोशिया या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अपने बालों को निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से लेयर्स चाहिए तो आप पॉलीथिन में और भी ज़्यादा होल कर लीजिए। मुझे बालों को सिर्फ आगे से ही हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने सिर्फ आगे ही छेद किए हैं। आप चाहो तो पूरी पॉलीथिन में होल करके उनमें से बालों को निकाल लीजिए। अब आपको चाहिए ब्लीच। मैंने ये फेम की ब्लीच ली है। हम बहुत ज़्यादा बालों को हाईलाइट नहीं करेंगे इसलिए हमें थोड़ी सी ही ब्लीच से काम चल जाएगा। आप चाहो तो ओलिविया का एक छोटा पैक आता है जो कि 20 रुपये का होता है, उसको भी ले सकते हैं। ये स्पून इसी ब्लीच के साथ आया है, इसको मैं पूरा भर के ले ले रही हूँ। इसमें एक्टिवेटेड पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों को। अब ब्लीच को लेके अपने बालों पे अच्छे से लगा लीजिए। बालों को अच्छे से ब्लीच से कवर कर लीजिए। बालों पे ब्लीच लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी ना हो और वो गंदे भी बिल्कुल ना हो। आप जिस दिन बाल धोए उसी दिन ब्लीच को अप्लाई कीजिए। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे से ब्लीच होंगे। अगर आपके बालों में ऑयल होगा या फिर वो गंदे होंगे तो ब्लीच आपके बालों पे वर्क नहीं करेगी और वो कलर भी नहीं होगा। आपको ब्लीच को बालों की जड़ों में नहीं लगाना है। अब आपको बालों को कितनी देर में धोना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने बालों का कलर काफ़ी लाइट चाहिए तो ब्लीच को लगभग आधा घंटा तक लगा रहने दीजिए। आप बीच बीच में देखते रहिए कि आपके बालों में क्या कलर आया है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो थोड़ी देर ही ब्लीच लगाने के बाद में धुल लीजिए बालों को।
ब्लीच को बालों पे अच्छे से लगाने के बाद में इसको छोड़ दीजिए। मैं अपने बालों को शैम्पू से धोने के बजाय कंडीशनर से धोऊंगी। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।